बाइक वाला आया, जरूर कुछ लाया होगा। आया 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 आया, आजा बेटे, आजा 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 बेटे, आजा ला। अरे बाबा, मैं बिन हेलमेट के ससुराल जा रहा हूँ, मेरा चलान कटेगा ना कटेगा? तो बच्चा निकाल 1100 रुपए। क्यों, मैं पागल हूँ? 1000 रुपए का चलान कटेगा, तुम्हें यहाँ 1100 रुपए दे दूँ? अबे तो जा, तेरा तो कटेगा ही कटेगा, हम जा कटवा लेंगे। साला बोनी बिगाड़गा, या ऊपर वाले भेज कोई मोटा पैसे वाला जो निकाल दे दिवाली से पहले मेरे घर का दिवाला, और पहना जाए नोटों की माला ऊपर वाले। हाँ, अब गया मोटे पेट वाला, ये पहनाएगा नोटों की माला। बा 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 बा, बच्चा क्या नोटों की माला पहनाओगे? पहना तो निकाल कर। नहीं बाबा, मैं यूं कह रहा था, आप राशि बता देते हो? राशि? अच्छा, क्या नाम है बताओ। बाबा, मैं यूं कह रहा था, मेरी राशि नहीं, मेरे बहु बेटे की राशि। उन्होंने धन कहाँ छुपा रखा है, तिजोरी में, बोरी में, बैंक में। बहु बेटों की माल हड़पना चाह रही है? ला, पहले 1100 रुपए निकाल। नहीं नहीं नहीं, पहले माल। अबे पहले पैसे निकाल। नहीं नहीं नहीं, पहले माल। अबे पहले पैसे निकाल। नहीं नहीं नहीं, पहले माल। अबे जा, साधुओं से भी सौदा कर रही है। बराबर बाबा। बाबा वो देखो, वो जो लड़की है ना, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। अबे मगर वो दीवार में क्यों चिनवा रखी है? बाबा वो दीवार में नहीं चिनवा रखी, वो तो दीवार के पीछे खड़े होकर झांक रही है। आए? अच्छा तो बतला दे, कोई ऐसा ताबीज दे दो जो मेरे पीछे पीछे भागे। ला तो बच्चा, देख 1100 रुपए। बाबा को फ्री का नुक्ता बता दो। फ्री का नुक्ता? अच्छी है, मुफ्त में इश्क कर रही है, ले तो मार साली के सर में। ए? मगर बाबे तो ईंट है। अबे तो कमीने, फ्री में तो ईंट पत्थरी मिलेंगे। वाह ऊपर वाले, अभी तक तो जो भी आया वो बेकार आया, कोई साला ठीक आदमी नहीं आया, मगर ये अच्छा लिया। आ लिया, आ लिया, 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 लिया। बोल बच्चा। खोल कच्चा, नंगा करेगा मुझे? अबे तेरे क्या रोग है? क्या लोग है? पूरा तुझे का लुगाई दिखा दे रहा हूँ मैं। लो भाई, ऐसा दरिया में रह गया आजकल, लोग को लुगाई बता रहा। अबे तुझे तेरी बीमारी याद ना है? औलाद ना है? हाँ, अब का पकड़े सही ना बच। मुझे लगता है तेरे कान खराब है। सामान खराब है? ना ना ना, कुछ कमी बहू में ही है, मेरे संबंध ठीक ठाक है। अबे घबरावे मत ना, बच्चा भी पैदा हो जाएगा। बेटा हो जाएगा तो बाबा दे दो कोई ऐसी भभूत जो लिगड़े हर साल पूत ही पूत। अबे तूने अपनी औरत गेहूं निकालनी मशीन समझ रखी है, कमीने कुत्ते। अबे सोचो कुछ औरतों के बारे में भी सोचो, ये नहीं कि हर साल बच्चा कोई पक्का कोई कच्चा, हर महीने हर चौथे महीने जच्चा। अबे किसी पे शर्त नहीं और किसी पे नहीं कच्चा। अच्छा, इसका मतलब मुझे खिचड़ी खानी पड़ेगी? अबे तेरे को नहीं खाना पड़ेगा कुछ भी, तेरी बीवी को केला खाना पड़ेगा। जा ऐसा कर, अपनी बीवी को भेज दे। टीवी को भेज दू? ओहो, तो बाबा इस वजह से हमारे घर में बच्चे पैदा नहीं हो रहे। और ठीक बात भी तो बाबा, जब लुगाई सारे दिन टीवी से चिपकेगी तो औलाद होएगी कहाँ से? आज ही भेज दो कबाड़ी को, तेरा खून कर दूंगा। चला चला, दफा हो जा।
दफा हो जा मेरी आंखों के आगे से, दफा हो जा। साल आज कैसा मन उस दिन है, कोई भी एक ही कन्नी नहीं देगी आगे। अरे भैया क्या पा गया? ए, आ गया। बच्चे बना रहा ना, बाबा गया। आ जा बच्चे बना रहा। अरे भैया रुकता भाई। अरे ना सुन रही। हाँ सुन तो रही हूँ बहरे। अब तो हमारे बाल को भी लग जाएगी। अच्छा गांव में बालक बनाने वाला बाबा आ गया। अच्छा जी। अरे भैया मैं तो बाबा के पास ही जाऊंगी, पता मेरी माँ के 12 बालक के बाबा नहीं बन पाए। अच्छा रे भाभी, फिर तो धड़ाधड़ मशीन चली होगी। चुप रहो देवर जी, ज्यादा ना बोला करो तुम, जा रही हूँ मैं, ठीक है। अरे मुकेश की बहू कहाँ जा रही है? अरे रुक तो सही, रुक तो सही, कहाँ जा रही है? मैं बालक बनवाने बाबा के पास जा रही हूँ, गाँव में बाबा आया है। बाबा के पास? आओ बेटी डार्लिंग आओ। बच्चे बनाने वाले बाबा की जय हो। बाबा अब आप गांव में आ गए हो, अब तो धड़ाधड़ बालक बनाए जाओ। गांव में इतनी लुगाई बांझ पड़ी है, आपको ना मिलने की एक साल तक भी फुर्सत। सच्ची बाबा? बाबा क्या सोच रहे हो? बाबा सोचो मत, बस आप बाबा डाल दो ना, देखो बाबा डाल दो। बड़ी जल्दी हो रही है डलवाने की। बाबा पता है बचपन में ना माँ यूं क्या करे थी, बच्चे चोरी करा करे बाबा। आज पता चली बाबा बच्चे क्यों चोरी करे, इधर का बच्चा उधर दिया करे, बाबा तो सप्लाई करे बच्चों की। अबे कमबख्त मारी मेरे को फंसवाएगी, बतला क्या समस्या है तेरी? बाबा शादी को 7 साल हो गए, अभी तक कोई बच्चा नहीं है। अच्छा तो बताओ बेटी डार्लिंग तुम्हारे पति क्या करते हैं? बाबा वो तो सब कुछ कर लेते हैं। अबे मैं ये नहीं पूछ रहा, मैं पूछो काम क्या करता है तेरा पति? काम वाम तो उनका लगता नहीं, वो बहरे हैं। अच्छा तो तू बहरे की बीवी है? हाँ जी हाँ जी। और तुझे एक बच्चा चाहिए? हाँ। लेकिन बेटी डार्लिंग इसके लिए तो थोड़ा कष्ट भोगना पड़ेगा। क्यों बाबा, बच्चा ऑपरेशन से होगा? हाँ, हो जाए नर्सिंग होम में भर्ती। अबे तेरे को कुछ ला कर देना पड़ेगा। क्या लाऊं बाबा, किसी की सलवार काट के या किसी के बाल काट के? बड़ी लपर लपर चपर चपर बोलती है। अबे तेरे को सारे जेवर लाकर मुझे देने होंगे, मैं उन पर दुआ पढ़ूंगा, फिर तेरे हर साल बच्चा होगा। तो क्या बाबा सोने चांदी का बच्चा बनाओगे? अबे तू बोलती बहुत है लपर लपर, ला कर दे फटाफट जेवर वरना बच्चा नहीं मिलेगा। ठीक है बाबा की जय हो। बेटे से एक चिल्ली, अब मिलेंगी सोने चांदी की सिल्ली। बच्चे बनाने वाले बाबा की जय। आओ बच्चा क्या कष्ट है? बाबा मैं पुल बनाने का इंजीनियर हूँ, इतने भी पुल बनाता हूँ सारे ढह जाते, मेरा कामयाबी नहीं मिल रही बाबा। कोई ऐसा आशीर्वाद दो बाबा जो मैं कामयाब हो जाऊं बाबा। बच्चा कामयाब तो अवश्य होगे, तो हमारे लिए आप क्या करोगे? बाबा आपको 2 कट्टे सीमेंट, 1000 ईंट आपकी समाधि बनाने के लिए दे दूंगा बाबा। अबे कमीन के बच्चे मुझे मरवाना चाह रिया। ओबे ये यंग है, जरूर किसी परेशानी से तंग है। आजा बेटा आजा। बच्चा तुम्हारी रेखा तो बहुत अच्छी है। रेखा कहाँ अच्छी है, रेखा तो 15 दिन तक हॉस्पिटल में पड़ी है। अबे तो जा उसका इलाज करवा। आज क्या दिन है साला, जो भी आ रही है उल्टी सीधी बात बना रही है, सुबह से बोहनी बट्टा भी नहीं हुआ। हाँ मगर वो और जेवर लेके जरूर आएगी। बाबा की जय हो। बेटी डार्लिंग जेवर नहीं लाई? बाबा जेवर तो बहरे रखले ने ले लिए। बाबा जेवर तो छिन गए, पर बाबा डाल दो एक बच्चा झोली में। अबे चुप। दादी
बच्चा, वो जो तुम्हारा ससुर है नहीं, बा 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 अकला, उसके पेट में एक डायन है। हाँ, वो तुम्हारी कोख से बच्चा पैदा नहीं होने दे रही, अगर हो जाएगा तो उसको फौरन तुरंत खा जाएगी, इसलिए तुम्हें सबसे पहले अपने ससुर के पेट की डायन को बाहर निकाल कर भगाना होगा, तभी पुत्र खिलाना होगा। इधर लाओ कान। अरे क्या कर रहा बाबा? अरे पीछे हट जा तू। बाबा बच्चे का नामकरण कर रहे हैं। अरे धरती पे बोझ है फिरोज। अरे ना ना, हम तो हिंदू हैं। अरे धरती पर वजन है हर वजन। हाँ यू ठीक रहेगा। अरे तुम चलो घर को। ए, कल को। अरे तुम घर को चलो, उपचार करना घर जाके। ए, प्यार करना है, चलता फिरता। इतने ऊंचे पर खड़ी होकर क्यों चिल्ला रही है? अंकल तुम्हें पता ना, मेरा भैया ऊंचा सुने है। अरे तू नी, 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 नीचे उतर गया। धर्मेंद्र की तरिया। हाँ बिल्कुल धर्मेंद्र की एक्टिंग कर रही है। अरे तेरी बहन चुनौती दे रही है। ए, ले रही है। हाँ ले रही है, यू जॉन हथेली पे ले रही है। अरे मैं लेकर नीचे को आ जा, बन की तरह मान ली तो है मेरी शर्त मंजूर। करीना कपूर। अरे चल हेमा मालिनी से करीना कपूर सही रह गए, लौट दिया ही नीचे को आ जा। का 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 पापा तुम्हें तो कहने में भी एक घंटा लगेगा। कर दूंगा। अरे को 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 अरे सुसु करने तो जा रही थी। और जोर से, और जोर से। अब निकल जाएगी इसके पेट की डायन। और जोर से, और जोर से। अरे क्या हो रहा है? अरे बहरे पर एक वट है लठ अभी लेकर आया। अब हमारा उपचार अच्छा हो जाएगा। ए? बच्चा हो जाएगा तो लो बाबा, अभी लो। देखा दोस्तों, इसे कहते हैं अंधविश्वास और घर का नाश। ढोंगी बाबा के कहने से पति पत्नी ने मिलकर अपना पिताजी मार दिया एक बच्चे की चाहत में। इसलिए आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है, अपील है, गुजारिश है कि ढोंगी बाबाओं के चक्कर में कभी ना फंसे और कभी भी ऐसा गलत कदम ना उठाए जिससे घर का नाश हो। जय हिंद, जय भारत।